गुरुजी राधे राधे जी। राधे राधे। मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। बताएं। मेरे सर दो क्वेश्चन है सर। बताइए। एक तो ये पूछना था मुझे कि एक जो बाल काटते हैं नाखून काटते हैं तो वो आज जैसे मंगलवार है या बृहस्पति है या शनिवार है उसमें काटते नहीं है, तो वहीं अगर कोई उत्सव है किसी के परिवार में विवाह है तो उसमें वो काट लेते हैं, तो उसमें क्या सत्यता है? मतलब भाई नाखून और बाल पुराने ज़माने में ये नियम बनाए थे कि फला फला दिन नहीं काटते, उसका ये तात्पर्य था कि उस दिन जैसे किसी दिन साबुन नहीं लगाना। तो एक्चुअली क्या होता है कि साबुनों में बहुत सारा केमिकल होता है, हम रोज़ लगाते ही हैं, तो बड़े बुजुर्गों ने सोचा एक दिन मना कर दो, तो एक दिन मना करने से वो केमिकल से शरीर बॉडी बच जाएगी, है ना। पहले के ज़माने में नाखून काटने के बहुत सारे साधन नहीं उत्पन्न हुआ करते थे, बाल भी लोग बार बार नहीं कटवाते थे, सेविंग नहीं करवाते थे, तो उन्हें बताया कि इस दिन ना कटवाओ, इस दिन कटवाओ, इस दिन ना करो इस दिन, क्योंकि उस समय सीमित थी व्यवस्थाएं। होता क्या था, पहले एक गांव में एक ही नाव होता था, वो एक ही भाई पूरे गाँव के लोगों का ख्याल रखता था, तो एक दिन निश्चित किया जाता था कि एक दिन ये आएगा तब सब लोग जाके अपना सेविंग करवा लेंगे। आज के ज़माने में ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए ये माइनर चीज़ें हैं। आज भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो जैसा आपको उचित लगे सुटेबल हो। बट आप, गुरुजी बड़े लोग तो मने करते हैं ना, क्या ज़्यादातर तो बड़े लोग मने करते हैं ना कि ये नहीं करना। हाँ, आपातकाल में जैसे अब है कोई, अब कल से शादी विवाह ही है तो भाई कर सकते हैं आपातकाल में, बाकी सध जाए ना करें तो अच्छा है। जैसे एकादशी के दिन बाल नहीं धुलते, कारण ये है कि एकादशी में हम व्रत हैं और ज़्यादा से ज़्यादा घर में काम है, पूजा पाठ का, अन्य कामों को, तो कहाँ बाल धुलने में समय खर्च करेंगे, इसलिए धोलो ही मत, नियम ही बना दिया, कहाँ समय है धोलो ही मत, काम में लगो अपना, तो इसलिए ये चीज़ें बन गई, ठीक है, इसलिए बन गई ये चीज़ें। एक क्वेश्चन और था गुरु जी मेरा। जी, जैसे कि किसी का कोई अंतिम समय है, तो अंतिम समय में हम कैसे कुछ संकेत प्राप्त होता है कि हमें मतलब हमें मतलब ऊपर के लिए जाना पड़ेगा? कहा जाता है मरने के कुछ देर पहले ही हमें ये आभास हो जाता है कि अब हमारी मृत्यु आ गई, प्रत्येक व्यक्ति को होता है, कोई भी हो, तो हम सभी को ये आभास तो होता है कि जाना है, लेकिन उस आभास को होने के बाद भी हम टाल तो सकते नहीं उसे। नहीं मतलब कि प्रभु का श्रीमन नारायण का नाम लिया जा सके ताकि मुक्ति, इसलिए हम कहते हैं हर क्षण भगवान का, जैसे आप अभी खड़े हैं हम बैठे हैं तो हम बात आपसे करें पर अंदर चलता रहे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण हर क्षण हर घड़ी चलता रहे, क्योंकि मौत तारीख देख के नहीं आएगी, समय देख कर नहीं आएगी, कभी भी आएगी, इसलिए हर समय हमें भगवान श्रीमन नारायण का ही स्मरण करते रहना चाहिए। जी, जैसे कि आपने आज की कथा में बताया कि भक्ति के लिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, तो उसमें एक वैराग्य और एक होता है त्याग, तो उसमें क्या अंतर है वैराग्य और त्याग में? एक ही चीज़ है, वैराग्य होना संसार का त्याग कर देना, एक ही बात है, एक तो होगा वैराग्य होगा, एक ही बात है। यदि हम इसको डीपली देखेंगे अर्थ को तो दोनों का एक ही अर्थ निकलेगा, त्याग कहो वैराग्य कहो पर्याय। ठीक है, राधे राधे, खुश रहिए।